एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मांझी का बड़ा बयान सामने आया। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सर्वे किया जा रहा है, सर्वे के बाद शीर्ष नेता बैठकर फैसला लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, बड़ा बयान दिया गया है, सर्वे के बाद बनेगी सीट पर बात। तो ये बड़ा बयान एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सर्वे किया जा रहा है, सर्वे के बाद शीर्ष नेता बैठकर फैसला लेंगे। तो एक बड़ा बयान यहां पर दिया गया है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर, यह बयान दिया गया जहां सर्वे की बात कही गई, सर्वे के बाद शीर्ष नेता बैठकर फैसला लेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने, बड़ा बयान जीतन राम मांझी की ओर से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर। मांझी का यह बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के बाद बैठक के जरिए फैसला लिया जाएगा, सर्वे के बाद शीर्ष नेता बैठकर फैसला लेंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बयान दिया गया और बड़ा बयान है सीट बंटवारे को लेकर। मांझी का यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सर्वे किया जा रहा है, सर्वे के बाद बैठकर फैसला लिया जाएगा, सीट शेयरिंग को लेकर यह बड़ा बयान जीतन राम मांझी की ओर से सामने आया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा बयान दिया गया है सीट शेयरिंग को लेकर, यह बयान दिया है जीतन राम मांझी की ओर से, बयान सामने आया है। हम लोग सीट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, जो प्रक्रिया है एनडीए का, एनडीए अपना चुनाव में लगे हुए हैं, कहीं कहीं सब साथी लोग लगे हुए हैं, सबको मौका दिया जा रहा है काम करने का, और चुनाव के बाद हर जिला में, हर प्रांत में, जहाँ लोकसभा का चुनाव तो सभी प्रांत में होना ही है, वहाँ एनडीए के टीम लोग आएंगे, शीर्षस्थ नेतागण में से प्रमुख लोग आएंगे और तय करेंगे। अब इस बीच में कुछ एजेंसी से ऐसा आकलन किया जा रहा है कि कौन ऐसा कंस्टिट्यूंसी में जहाँ कौन जीत सकता है, ये सब की स्थिति को समझते हुए फिर निर्णय लिया जाएगा, अभी कोई निर्णय नहीं। तो आरजेडी के विधायक